हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ व्रत में बहुत ही टेस्टी नाश्ता और बहुत ही झटपट बनने वाला है और बहुत ही क्रिस्पी रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इधर मैं ली हूँ 3 आलू, ये कच्ची आलू हैं, तो इसको हम अच्छे से छील के और साफ़ कर लिए हैं। और ये देखिए पानी में मैं डाल दी थी क्योंकि बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो इसका अब हम पानी निकाल देंगे। तो ये देखिए निकाल दी हूँ। अब इसमें हम डालेंगे समा का आटा, जो मूर्धन भी जिसको बोलते हैं। तो बस इसको क्या करना है, मिक्सी में पीस लेना है, तो ये पाउडर बन जाता है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अगर आपके पास ये नहीं है, समा नहीं है, समा का आटा, तो आप इसकी जगह सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हो या साबूदाना कोई पीस के ले सकते हो। अब इधर ली हूँ मैं मूंगफली, मूंगफली को भून के और पीस ली थी। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डालो। उसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ काली मिर्च, ये कुटी। और जो हमारा डो है वो रेडी हो गया है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ऐसे बन रहा है, बस हमें ऐसे ही बनाना है टिक्कियाँ जैसे। और इधर मैं पैन चढ़ा दी हूँ, पैन पे थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ 1 स्पून, छोटे वाले स्पून में, और इसको अच्छे से पूरे पैन पे फैला देती हूँ। तो ये देखिए तेल जो हमारा गरम हो गया है, तो इसमें अब टिक्कियाँ हम बना लेते हैं। टिक्कियाँ बनाने के बाद इसमें रख देते हैं, जितने हमारे पैन पे आएंगे उतने हम रख देंगे। तो ये देखिए हमें ऐसे ही बनाना है टिक्कियाँ, ज़्यादा पतली या मोटी नहीं करना है, मीडियम। तो ये देखिए मैं 4 बना ली हूँ। अब इसको हम ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 2 से 3 मिनट। में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आप इसको दही के साथ या हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ, जिसके साथ आप पसंद करते हो उसके साथ आप खा सकते हो। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।